आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीलर नाइटिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है DRDO सप्टम 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 19। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 18 तक के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके दिया है हर एक क्लास में, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक पार्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं हर एक क्वेश्चन के, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर एक पार्ट के, अलग अलग PDF का डिस्क्रिप्शन भी, PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह की क्लास आपको एग्ज़ाम होने तक हम कंटिन्यू करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है DRDO सप्टम 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 19। सबसे पहला क्वेश्चन है अभी के जो हम आप इस क्लास में जो भी जितने भी क्वेश्चन है, तो हाँ हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के ऊपर ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं फीटर में। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स आर इन द हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 4 टाइप, दूसरा 3 टाइप, तीसरा ऑप्शन है 5 टाइप के और चौथा ऑप्शन है 2 टाइप के। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइड्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप, मतलब 3 टाइप के हाइड्रोमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो स्क्रीन पर आपको डबल एक्टिंग सिलेंडर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है गाइड रिंग, दूसरा पिस्टन रॉड, तीसरा लॉक नट और चौथा ऑप्शन है सिलेंडर कैप। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिस्टन रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर में इस सिंबल का उपयोग जो किया जाता है तो इस सिंबल का नाम क्या है यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में उपयोग किए जाने वाले सिंबल का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन, दूसरा ऑप्शन है सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन, तीसरा ऑप्शन है डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक और चौथा ऑप्शन है डबल एक्टिंग विद क्रशिंग। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो सिंबल है तो इस सिंबल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगल एक्टिंग रॉड रिटर्न द पिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ हाइड्रोमीटर। तो स्क्रीन पर आपको एक हाइड्रोमीटर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से टाइप का हाइड्रोमीटर है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गियर टाइप, दूसरा वेन टाइप, तीसरा पिस्टन टाइप और चौथा है प्रोपेलर टाइप। तो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया जो हाइड्रोमीटर है इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए गियर टाइप, गियर टाइप हाइड्रोमीटर का ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्लासिफाइड, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ पॉट्स एंड पोजिशन, दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तीसरा मैक्सिमम प्रेशर ऑफ वाल्व और चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ आर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्लासिफाइड, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ पॉट्स एंड पोजीशन, मतलब इसमें जो पॉट्स होते हैं इस पॉट्स के हिसाब से या फिर इसकी पोजीशन के हिसाब से जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है इसे क्लासिफाई किया जाता है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, तो ये कौन से टाइप का डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है यही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो डायग्राम है तो ये कौन से टाइप का डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 2x2 वे वाल्व, तीसरा ऑप्शन है 3x2 वे वाल्व, तीसरा ऑप्शन है 4x2 वे वाल्व और चौथा ऑप्शन है 4x3 वे वाल्व। तो जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, तो ये कौन से टाइप का डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3x2 वे वाल्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x2 वे वाल्व, ये 1, 2, 3 है 3x2 वे वाल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इंडिकेटेड द अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से गेज के सहायता से हाइड्रोलिक प्रेशर जो फ्यूल का प्रेशर होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो कौन से गेज के सहायता से दिखाया जाता है यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वैक्यूम गेज, दूसरा प्रेशर गेज, तीसरा फ्यूल गेज और चौथा है न्यूमेटिक गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्यूल प्रेशर होता है इसे कौन से गेज के सहायता से दर्शाया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेशर गेज, प्रेशर गेज के सहायता से हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्यूल प्रेशर होता है इसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द नेम ऑफ एन एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर। क्वेश्चन में पूछा गया कि यह कौन सा एक एडजस्टेबल, जो व्हाट इज द नेम ऑफ, मतलब कौन सा एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर का नाम है, यही क्वेश्चन पूछा गया। जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर का सही आंसर है। इसके लिए पहला ऑप्शन है नीडल रेस्ट्रिक्टर, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल रेस्ट्रिक्टर, और तीसरा ऑप्शन है गैस रेस्ट्रिक्टर, और चौथा ऑप्शन है सर्कमफेरेंशियल रेस्ट्रिक्टर। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर का कौन सा नाम है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीडल रेस्ट्रिक्टर। नीडल रेस्ट्रिक्टर यह एक हमारा एडजस्टेबल रेस्ट्रिक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम गेट्स कंप्रेस्ड एयर एज एनर्जी इनपुट, ऊर्जा इनपुट के रूप में कौन सी प्रणाली संपीड़ित हवा प्राप्त करती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक सिस्टम, दूसरा न्यूमेटिक सिस्टम, तीसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है मैकेनिकल सिस्टम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्रेसर एयर के सहायता से कौन सी एनर्जी इनपुट किया जाता है, जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर से चलता है, तो एयर के प्रेशर से चलने वाले सिस्टम का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूमेटिक सिस्टम, क्योंकि न्यूमेटिक सिस्टम हमारा पूरा कंप्रेसर एयर के प्रेशर से ही ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंस दैट यू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह कौन सा साइंस है जिसके द्वारा आप वायु के गुण और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं, जो क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक सिस्टम, दूसरा न्यूमेटिक सिस्टम, तीसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और चौथा मैकेनिकल सिस्टम। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह कौन सा साइंस है जिसके द्वारा आप वायु के गुण और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं, इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेशर वाल्व इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा प्रेशर वैल्यू जो वैक्यूम गैस की सहायता से, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच प्रेशर वैल्यू इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम, पूर्ण निर्वात के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एटमोस्फिक प्रेशर, दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर, तीसरा गैस प्रेशर, और चौथा है वैक्यूम प्रेशर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच प्रेशर वैल्यू इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो स्क्रीन पर आपको एक फिल्टर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से टाइप का फिल्टर है, यही क्वेश्चन में पूछा है, इस फिल्टर का नाम क्या है। तो इसके पहला ऑप्शन है अब्सॉर्बेंट फिल्टर, दूसरा मैकेनिकल फिल्टर, तीसरा मैग्नेटिक फिल्टर, और चौथा ऑप्शन है रिटर्न लाइन फिल्टर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो फिल्टर है, इस फिल्टर का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज यूज टू मूव लोड विथ लेस एफर्ट। कम प्रयास में भार को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी अगर भारी वस्तु हमें कम ताकत लगाते हुए एक जगह से दूसरे जगह अगर लेना है, तो उस समय कौन से सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है न्यूमेटिक, दूसरा हाइड्रोलिक, तीसरा प्रेशर, और चौथा ऑप्शन है फ्लो ऑफ एयर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कम प्रयास में अधिक लोड को अगर स्थानांतरित करना है, तो उस समय किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक। न्यूमेटिक के अनुप्रयोग के अंतर्गत कौन सा एक इक्वेशन है, यही क्वेश्चन में पूछा है। पहला ऑप्शन है ड्रग, दूसरा पुश, तीसरा क्लोज, और चौथा ऑप्शन है ओपन। तो क्वेश्चन जैसे पूछा था कि विच इक्वेशन इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैल्यू इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्यूल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल वाल्व, दूसरा नॉन रिटर्न वाल्व, तीसरा प्रेशर कंट्रोल वाल्व, और चौथा है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम यूजेस लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्यूल। कौन सी प्रणाली द्रव को संचारण द्रव के रूप में उपयोग करती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है न्यूमेटिक सिस्टम, दूसरा हाइड्रोलिक, तीसरा इलेक्ट्रिकल, चौथा है मैकेनिकल।
क्वेश्चन में जैसे पूछा था कि कौन सी प्रणाली द्रव को संचारण द्रव के रूप में उपयोग करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज अटैच्ड विद द लोड। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में कौन सा भाग भार से जुड़ा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्प्रिंग, दूसरा सील, तीसरा पिस्टन और चौथा ऑप्शन है पिस्टन रॉड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड से जुड़ा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज न्यूमेटिक इज यूज फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच डिवाइस इज न्यूमेटिक, न्यूमेटिक का कौन सा डिवाइस जो यूज किया जाता है एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को जो कंप्रेस एयर इसे मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए। इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है न्यूमेटिक एक्वेटर्स, दूसरा फिल्टर, तीसरा रेगुलेटर, चौथा है सिलेंडर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूमेटिक में किस प्रकार का उपकरण, किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा की दबाव ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूमेटिक एक्वेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओपन और क्लोज, दूसरा इंक्रीज द प्रेशर, तीसरा डिक्रीज द प्रेशर, चौथा है कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल द वाल्व। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का क्या उद्देश्य है हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओपन और क्लोज, मतलब बंद करने के लिए और ओपन करने के लिए। इसका मेन पर्पज क्या है, बंद करना और ओपन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ऑयल। तेल के हाइड्रोस्टेटिक दबाव से कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी, तीसरा न्यूमेटिक एनर्जी, चौथा है हाइड्रोलिक एनर्जी। ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑयल के हाइड्रोस्टेटिक दबाव से कौन सी ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑयल बाय वर्टू ऑफ इट्स मोशन। ऑयल में उसकी गति के कारण कौन सी ऊर्जा मौजूद है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा स्टैटिक एनर्जी और चौथा ऑप्शन है हीट एनर्जी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑयल में उसके गति के कारण कौन सी ऊर्जा मौजूद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व ब्लॉक्स फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अलाउ फ्री फ्लो इन द अदर डायरेक्शन। कौन सा वाल्व ब्लॉक एक दिशा में बहता है और दूसरी दिशा में मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है चेक वाल्व, दूसरा 4x2 वे वाल्व, तीसरा ऑप्शन है गेट वाल्व और चौथा ऑप्शन है ग्लो वाल्व। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा वाल्व ब्लॉक एक दिशा में बहता है और उसकी दूसरी दिशा में मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट कंट्रोल द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तेल का कौन सा गुण हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रवाह को नियंत्रित करता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है कि ऑयल का कौन सा गुण है जो हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, दूसरा ऑयलनेस, तीसरा पुअर पॉइंट, चौथा है फ्लैश पॉइंट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑयल का कौन सा गुण हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब वाहकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू रिमूव डस्ट चिप्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द फील्ड। फील्ड में से डस्ट चिप्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स को निकालने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। चलिए पहला ऑप्शन है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, दूसरा फिल्टर, तीसरा एक्यूमुलेटर और चौथा ऑप्शन है रेगुलेटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्यूल में से डस्ट चिप्स और फॉरेन पार्टिकल्स को निकालने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिल्टर। फिल्टर के सहायता से जो फील्ड होता है, फील्ड में से जितने भी डस्ट चिप्स या फिर कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा जो वेस्टेज मटेरियल रहता है उसे निकालने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस एनेबल्स डिफरेंट फ्लो रेट्स ऑफ ऑयल। कौन सा उपकरण ऑयल के विभिन्न प्रवाह दरों को सक्षम बनाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रोटल वाल्व, दूसरा प्रेशर वाल्व, तीसरा ऑरिफिस और चौथा ऑप्शन है
रेस्ट्रिक्शन फ्लो। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा उपकरण ऑयल के विभिन्न प्रवाह दर को सक्षम बनाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रोटल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व इज यूज एज द इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन है पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रोलर वाल्व, दूसरा फ्लो कंट्रोल वाल्व, तीसरा सोलेनॉइड वाल्व, चौथा ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक सिस्टम के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलेनॉइड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व इज यूज फॉर मैकेनिकल पोजिशन टू सेंस इन अ मशीन ऑटोमेशन सिस्टम। मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में आंतरिक स्थिति को समझने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व, दूसरा रोलर वाल्व, तीसरा फ्लो कंट्रोल वाल्व, चौथा ऑप्शन है डायरेक्शनल वाल्व। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा है कि मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में आंतरिक स्थिति को समझने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोलर वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ फिल्टर इज यूज फॉर ट्रैपिंग वेरियस साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। विभिन्न आकारों के कणों को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मैकेनिकल फिल्टर, दूसरा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, तीसरा मैग्नेटिक फिल्टर, चौथा ऑप्शन है सक्शन फिल्टर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विभिन्न आकारों के कणों को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाल्व इज यूज टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रेशर रिलीफ वाल्व, दूसरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, तीसरा ऑप्शन है प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व और चौथा ऑप्शन है रोलर वाल्व। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ फिल्टर इज यूज टू रिमूव फेरस मटेरियल्स फ्रॉम ऑयल इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में से फेरस मेटल को रिमूव करने के लिए कौन से फिल्टर का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रेशर लाइन फिल्टर, दूसरा ऑफलाइन फिल्टर, तीसरा मैग्नेटिक फिल्टर, चौथा है एब्सॉर्बेंट फिल्टर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल से कोई भी फेरस मेटल को निकालने के लिए रिमूव करने के लिए कौन से फिल्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फिल्टर। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सबटर्म 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 19, तो इस क्लास में हमने आपको हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।